वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडीएम्स के साथ के 214वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, टेक इनटू अकाउंट। नंबर टू, टेक इट इल। दोस्तों पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। टेक इनटू अकाउंट स्पेल आउट कर देता हूँ, TAKE टेक, INTO इनटू AOCOUNT अकाउंट। दोस्तों टेक इनटू अकाउंट का अर्थ होता है कोई कार्य करने से पहले या कोई निर्णय लेने से पहले किसी बात पर या व्यक्ति या हालात के बारे में सोचना, ध्यान रखना, विचार करना। दोस्तों टेक इनटू अकाउंट के सिनोनिम पर्यायवाची मुहावरे हैं। नंबर वन, टेक अकाउंट ऑफ। नंबर टू, टेक इनटू कंसिडरेशन, CONSIDERATION कंसिडरेशन। दोस्तों एग्जाम्पल्स को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, व्हाइल इवेलुएटिंग हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन यू शुड टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट ही वाज इल फॉर ए मंथ। परीक्षा में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय आपको इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि वो पिछले एक महीने से बीमार थे। नंबर टू, I will take into account all the things that are important in a situation like this. मैं उन सभी चीजों पर विचार करूंगा जिन पर कि इस तरह की परिस्थिति में विचार किया जाना चाहिए। नंबर थ्री, You should take account of Arpit. He has some good advice. आपको अर्पित पर ध्यान देना चाहिए, उनके पास कुछ अच्छा सुझाव है। नंबर फोर, गवर्नमेंट शुड टेक सफरिंग्स ऑफ पुअर पर्संस इनटू कंसिडरेशन व्हेन एवर इट मेक्स एनी न्यू पॉलिसी। जब भी सरकार कोई नई नीति बनाती है उसे गरीब व्यक्तियों के कष्टों के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। दोस्तों टेक इनटू अकाउंट के एंटोनिम विपरीत मुहावरे हैं। नंबर वन, लीव आउट ऑफ अकाउंट, LEAVE लीव। नंबर टू, टेक नो अकाउंट ऑफ। दोस्तों अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। टेक इट इल स्पेल आउट कर देता हूं, TAKE टेक, IT ILL। दोस्तों टेक इट इल का अर्थ होता है बुरा मानना, अपमानित अनुभव करना। दोस्तों एग्जाम्पल सुधा समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, आई होप यू विल नॉट टेक इट इल इफ आई टेल यू द ट्रूथ। मैं आशा करता हूं कि यदि मैं आपको सत्य बताऊंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। नंबर टू, देर इज नो यूज ऑफ गिविंग हिम एनी एडवाइस, ही विल ओनली टेक इट इल। उनको सुझाव देने का कोई लाभ नहीं है, वो सिर्फ अपमानित ही महसूस करेंगे। नंबर थ्री, प्लीज डोंट टेक इट इल, आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। कृपया कर आप बुरा नहीं मानिए, अपमानित महसूस नहीं कीजिए, मैं आपको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता था। दोस्तों आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखे, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।